सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर फैसला सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में थोड़ी सी भी नैतिकता होगी तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि शीर्ष अदालत ने पाया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे के सुनील प्रभु आधिकारिक सचेतक थे तो इस टिप्पणी के हिसाब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायक अयोग्य साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनाने की प्रक्रिया ही अवैध थी तो शिंदे सरकार अवैध हुई। राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने कहा, न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार सुनील प्रभु शिवसेना के आधिकारिक सचेतक थे इसलिए बागी विधायक अयोग्य साबित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को फैसला लेने देने के सुप्रीम कोर्ट के कदम के बारे में संजय राउत ने कहा, मामले को स्पीकर के सामने आने दीजिए। इस फैसले के बाद स्पीकर ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते जो संविधान के खिलाफ हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।